वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की कल लाहौर आमद मुतवक्को को इमरान खान गवर्नर और वज़ीर-ए-आला पंजाब से अलग अलग मुलाकात करेंगे। पंजाब हुकूमत की गवर्नेंस के हवाले से इजलास में जायजा लिया जाएगा। सानिहा साहिवाल की मुतासरा फैमिली से मुलाकात का भी इम्कान। पूरी रात पूरा दिन अभी टाइम क्या हो गया है, अभी पिंडी के चक्कर लगा रहे हैं, कभी होटल पे जा रहे हैं खाना खा रहे हैं, कभी वो पांपे छोड़ रहे हैं, कभी वो ऐसे कर रहे हैं। उधर जाके पता चला कि सदर साहब कराची चले गए हैं और सैनेट साहब वो भी चले गए हैं। भाई ये क्या मजाक हो रहा है हमारे साथ। सानिहा सहवाल, मकतूल खलील का भाई, हुकूमती रवैये में फट पड़ा। हुकूमत हमारी दादरसी के बजाय हमें रुसवा कर रही है। सदर और चेयरमैन सेनेट ने मुलाकात के लिए इस्लामाबाद बुलाया। सारा दिन सड़कों पर कार होते रहे मगर कोई ना मिला। अभी तक किसी हुकूमती नुमाइंदे ने हमसे कोई राबता नहीं किया। मकतूल के भाई जलील की दुहाई। मकतूलीन के वकील शहबाज बुखारी कहते हैं सीटीडी ने मासूम लोगों को शहीद किया, वज़रा खानदान का मजाक उड़ा रहे हैं। इमरान खान साहब, कौम आपकी तरफ देख रही है, हमारा सिस्टम बदबूदार हो चुका है, खुदारा मजलूमों को इंसाफ दिलाए। मुतासा फैमिली की दादरसी की बजाय तजलील शर्मनाक है। ताजियत के लिए बुलाया नहीं जाता, खुद चलकर आया जाता है। रियासत माँ होती है, डायन बन गई है रहनुमा नून लीग उस्मा बुखारी। पार्लियामानी लीडर पीपल्स पार्टी हसन मुर्तजा भी हुकूमत पर बरहम, बोले हमारे रखवाले ही हमारी जान के दुश्मन बन गए हैं। ये खानदान के साथ नहीं पूरी कौम के साथ मजाक है। वज़रा ने जो बयान दिए अफसोसनाक है। सानिहा साहिवाल के मुतासरीन के साथ हुकूमती रवैये पर अपोजिशन रहनुमाओं का रद्देमल। पैरागॉन स्कैंडल ख्वाजा बरादरान को आज एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। नैब के तफ्तीशी अफसर जिस्मानी रिमांड खत्म होने पर ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक को एहतसाब अदालत में पेश करेंगे। तेज रफ्तार कार रोही नाला में गिर गई, रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसा में 22 साल नौजवान जख्मी। और तरीके इंसाफ की जानिब से सेनेटर वलीद इकबाल के एजाज में इशाइया, वाइस चेयरमैन वासा शेख इम्तियाज महमूद और एमपीए सादिया सोहेल राणा की शिरकत। तारिक हमीद और मोहम्मद खान मदनी समेत दीगर मुकामी रहनुमा भी शरीक हुए। पीटीआई रहनुमा इरफान शानुभट की जानिब से इशाइया।